नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन चरखारी। स्मृति शेष कीर्तिराज श्रीवास्तव जी की पुण्यतिथि पर आज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सक्षम द्वारा नगर एवं क्षेत्र के दिव्यांगों को ट्रायल साइकिल और उपकरणों का वितरण किया गया। सक्षम एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ काम करती है और दिव्यांगों और बेसहारा लोगों के लिए हर समय काम करती है। सक्षम के प्रांत सचिव प्रशांत जी ने कहा कि आयोजन हर वर्ष कीर्तिराज जी की पुण्यतिथि पर आयोजित होगा और जो भी दिव्यांगों की समस्याएं हों वो लोग हमारे सक्षम के जिला के लोगों को बताएं। सक्षम कानपुर से आई आंखों की टीम ने भी लगभग आधा सैकड़ा लोगों की आंखें देखी और बताया कि आंखों में होने वाली बीमारियों से कैसे बचाया किया जा सकता है। आयोजन में MLC जितेंद्र सिंह सिंगर, प्रशांत जी प्रांत सचिव सक्षम, श्रीराम जी प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, संतोष जी जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ महोबा, डॉक्टर ओम प्रशंकर जी जिला संघ चालक, डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा जिला संयोजक सक्षम, विदेश राजजी सक्षम, अरविंद चौहान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, मूलचंद अनुरागी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, साकेत जी खंड कार्यवाहक सहित नगर के संभ्रांत व्यक्ति उपस्थित रहे। आज सक्षम के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, क्या कार्यक्रम था और कैसा कार्यक्रम था? आज जो महोबा जिले के चरकारी में जो कार्यक्रम रखा गया है, सक्षम के जिला अध्यक्ष पद से लेकर सक्षम के प्रांत उपाध्यक्ष तक के पद को जाने वाले स्मृति से कीर्तिराज जी की पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कानपुर प्रांत के इस महोबा जिले में चरखारी में आज तहसील में आज कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लगभग 300 दिव्यांगों की उपस्थिति रही, जिनको ट्राईसाइकिल और जो है उनके लिए कैलिपर दिया गया और भी लोगों के आवेदन लिया गया है जिनको भविष्य में जो है व्हील चेयर ट्राईसाइकिल और उनकी आवश्यकता अनुसार चीज़ें जो है दी जाएंगी। उसके लिए इसे सरस्वती विद्यालय में आगामी योजना भी बनाई गई कि अगले वर्ष जो है 5 दिसंबर तक आते आते हम यहाँ पर कीर्तिराज जी के नाम पर एक बढ़िया सा दिव्यांग सेवा केंद्र और पुस्तकालय बनाएंगे, जिसमें पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकें होंगी जिसको बच्चे पढ़कर अपनी संस्कृत और सभ्यता को जान सकेंगे। लड़ साहब, आज एक सक्षम का कार्यक्रम था जिसमें हमारे नगर के कीर्तिराज की स्मृति में ये कार्यक्रम किया गया, आप कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? सर, समाज के रूप में देखते हैं और राष्ट्र के लिए भी जो बंधु रह गए हैं नहीं समझ रहा है उनको ये समझना चाहिए कि नेशन फर्स्ट, जिन समझ में ये बात नेशन फर्स्ट है वह देश के लिए काम करेंगे और सक्षम जो है इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है और कीर्तिराज भी इसी क्रम के उपासक थे और उन्होंने ये कार्य बढ़ाया, उन्हीं की स्मृति में ये कार्यक्रम हुआ है। इसी तरह कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे यही उनके लिए सही श्रद्धांजलि। MLC साहब, आज एक कार्यक्रम हुआ विद्या मंदिर में सक्षम का, तो इसमें क्या कार्यक्रम था और किस तरीके का कार्यक्रम है और सक्षम की क्या क्या योजनाएं हैं? सक्षम के पूर्व प्रांतीय पदाधिकारी कीर्तिराज श्रीवास्तव जी के प्रथम आज श्रद्धांजलि सभा के रूप में आज काफ़ी संख्या में क्षेत्र से दिव्यांगजन आए हुए थे, उनको निःशुल्क उपकरण वितरित हुए हैं और उन लोगों के सेवा कार्य के लिए आगे की योजना भी बनाई गई है कि आसपास क्षेत्र के दिव्यांगजन जिनको जो आवश्यकता है जो उपकरण उसमें हम लोग सब लोग मिलकर उनकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे एवं जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं यदि कहीं कोई आच्छादित नहीं है लाभान्वित नहीं है तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उनको सरकार की योजना से लाभ दिलवाएं। और आज आदरणीय डॉक्टर ओम शंकर श्रीवास्तव जी भाई साहब जिनके सुपुत्र एक सेवा क्षेत्र में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया उन्हीं की आज प्रथम पुण्यतिथि थी, उसमें हमारे सक्षम के भी पदाधिकारी हमारे संगठन के भी पदाधिकारी जन यहाँ पर आज उपस्थित थे और आज इस कार्यक्रम के अवसर पर भारी संख्या में जो हमारे दिव्यांगजन भाई बंधु मातृशक्ति के रूप में कई लोगों को उपकरण निःशुल्क देकर उनको भी एक श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला और उनको भी लगा कि सरकारी कार्यक्रम से इतर कार्यक्रमों में लोगों की सेवा सामने देखने को मिल रही है। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अगली बार जब पुण्यतिथि दूसरी पुण्यतिथि होगी तो एक बड़े स्तर पर हम लोग कार्यक्रम की योजना बनाएं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। ये भी देखा गया है कि यहाँ स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए थे, तो क्या ये सक्षम स्वास्थ्य शिविर चल रहा है और निःशुल्क आई कैंप भी है और यहाँ पर लोग आप देख रहे होंगे कि सुबह 10 बजे से नगर के आसपास क्षेत्र के लोग बाग अपने आई कैंप में अपना वो निःशुल्क परीक्षण करा रहे हैं,
और स्वास्थ्य शिविर में भी अच्छे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो लोग अपना स्वास्थ्य का परीक्षण भी करते हैं। धन्यवाद।